सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस को डराने के लिए ये सब बोल रहे हैं। चलिए सुशील मोदी को आगे सुनते हैं। देखिए, जो उनका बयान है उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल यू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज़्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डराते हैं। तो रह कर वो इस प्रकार का बयान देकर राजद और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है? उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता है जिसमें ताकत होती है। तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा और पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए, तो उनके साथ हम क्यों समझौता करेंगे? समझौता तो ताकतवर से किया जाता है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बुरी तरह से हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट मिले। पिछले 1 साल में RCP सिंह छोड़ कर चले गए, जीतन राम मांझी छोड़ कर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ कर चले गए, 1 दर्जन जदयू के बड़े नेता छोड़ कर चले गए जदयू और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। हम अपने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम करें। सुशील मोदी के इन बयानों से लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार का अब दबदबा नहीं रहा।